हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनालसा आइनोक्स का प्रोसेसर का डेमो, जो कि लेटेस्ट मॉडल है और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेज हुए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। ओके, ये लगा दिए। अब ये लगाने के बाद इसमें तीन लोग हैं, ये भी ओके लगना चाहिए, ये भी लगना चाहिए और ये वाला भी लगना चाहिए। ये तो बटन है, ये प्रेस होगा। आपको कुछ भी डालना है तो वाले को हटा के इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वो बंद हो गई, ये लगाने से चलेगा ना वापस? नहीं नहीं इसमें आप कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, इसी कारण है। हाँ, इसी कारण है। ये वाला जो ये है ना, ये आपके एक तो इसमें काम आएगा, इसमें काम आएगा और ये ब्लेडों में काम आएगा। ये फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, ये आपके सलाद वगैरह और कुछ भी कसना आपको, गाजर वगैरह नारियल वगैरह उसके लिए। इसमें बड़े पीस होंगे, बड़े बड़े ना, और सलाद भी बड़ी बनेगी। और ये सेम ये है तो इसमें छोटे पीस होंगे, छोटे छोटे, और सलाद भी छोटा बनेगा इसमें। ठीक है, ये दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटे बड़े। ये अपने आटे का साइड में हल्का सा ऑयल लगा, ऑयल डाल देना ताकि मशीन पे चिपके ना, ज़्यादा लोड ना। पानी अगर आटा खुश है तो ऊपर सब डाल सकते हैं। ठीक है, ये है अपने सब्जी चॉपिंग के लिए। आपको अपने जैसे घर में कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम हो, बड़ी मात्रा में मसाला जैसे मिर्ची टमाटर सारे कुछ काटना हो, सब्जी तैयार करनी हो, तो उसके लिए आप काम में ले सकते हैं। एक साथ बहुत सारा मसाला तैयार कर देगा, काटने प्याज वगैरह जो भी आपको कटिंग करना हो। ठीक है, तो इसकी ब्लेड है बहुत सारा पड़े, तो पकड़ते हैं यहाँ से पकड़ना, आपको यहाँ हाथ ही नहीं लगना चाहिए, हाथ चढ़ जाएगा। लॉक हो गया, कुछ भी डालना है ऊपर से भी डाल सकता हूँ। ये इसका कवर लगा सकता हूँ। तो अभी आपने जो उसको वन पे किया था? हाँ, ये ये ब्लेड है तो मैं इसको इस साइड लगाऊंगा तो ये सलाद बनेगी, चाहे ये ब्लेड ऊपर रहेगी तो ये सलाद बनेगी। ठीक है, और मैं इस साइड लगाऊंगा तो ये कसने के काम आएगा अपने, जिसमें रोटेड बार की साइड रहेंगे तो मैं हल्का प्रेस करूँगा, कसने के काम आएगा। जैसे गाजर, हाँ, मूली के पराठे के लिए मूली, हाँ, कुछ भी वो आपको जैसे गाजर वगैरह कुछ भी है ना, वो आपको यहाँ करनी है। गाजर है इसमें से डाली तो हजारा जब तक अपन डाल देंगे, फिर आगे से ऊपर से इसके हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे तो उसकी कटिंग होके इसमें नीचे आ जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये लोग एकदम ओके से अच्छे से करना आपको है ना, ब्लड इधर उधर ना हो। और ये कवर भी हटता है, ब्लड है तीनों ऐसे ही लगेगी, ये तो लगा लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है कसने के लिए और ये लगा सिंगल। अब इसका ढक्कन, इसके ये दो है, ये अलग अलग है, मैं भी बताता हूँ। इसका का ये वाला है तो इसमें अपने काम आ रहे हैं ये वाले और ये वाले, इसमें जो काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपना वो सेटर चूसर के लिए है, ये भी इसी में लगेगा और ऐसे लॉक होगा। ये जो टिप है ना, इससे ये बाहर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाना, संतरा वगैरह जो भी इसको ऊपर करके ऐसे प्रेस करना जिसमें अपना जूस है, बीज सब ऊपर रह जाएंगे, जो ऐसा बीज जूस वूस निकलेगा नीचे अपने, ऐसा कोई लगने की कोई टेंशन नहीं है, इजी सॉफ्ट है वो। ठीक है, बस ये यहाँ लॉकिंग सिस्टम है, ये क्लिक की आवाज़ आ रही है, लॉक होना चाहिए वरना चलेगा नहीं। ये भाग है, ये नीचे अंदर की साइड रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो बाकी इनमें काम नहीं ले सकते वरना टूट जाएगा। अच्छा, ये बाकी सब में ये काम आएगा, जिसका ऊपर की साइड है और जिसका नीचे की साइड है उसमें ये काम आएगा। और इसके ये लगेगा इसमें, आप इधर रह जाइए तो सही दूर इसमें, बाकी सब में तो अपन ये काम में ले रहे थे, अब अपन को इसमें ये काम में नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, ये ओनली फॉर सिंगल ऐसे ही लगेगा। डालना उस पानी से प्रेस करना, इसको धो लेंगे आप, कचरा इसमें ही फंसेगा जो भी, और वापस ऐसे लॉक लगा देंगे बस। ये इसके ऊपर कुछ हमें नहीं लगाना, खाली यही यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ये वापस क्लीन करके लॉक लगा देनी, इसमें ये सिंपल ऐसे लगेगा, फिट हो गया। और ये जो सिस्टम सब में ये जो है ना, हाँ, ये यहाँ आके ऐसे मूवमेंट में लॉक होगा, ठीक है। चकुंदर का जो भी निकालना चाहते हैं उसमें डाल देंगे, जूस निकल जाएगा। और ये इसका कवर है, ठीक है। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, ठीक है। सूखने को डाल के धीरे धीरे हाथों से, वो जूस जो भी जूस होगा वो इसमें निकल जाएगा, जो भी कचरा रहेगा वो उसके अंदर रह जाएगा, जो भी कचरा रहेगा वो इसके अंदर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब तक मान लो आपने ये लॉक कर दिया और ऊपर का अच्छे से ये लॉक नहीं हुआ तो भी मशीन नहीं चलेगी, नहीं आ जाएगी, लॉक हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ ये बटन बाहर की साइड है, जैसे मैं लॉक करूँगा ये नीचे चला गया, अंदर चला लॉक हो गया। फिर वेट ग्राइंडिंग जार, ये कुछ भी वेट ये ड्राई के लिए, हाँ। बस आप अगर कुछ हार्ड पीस रहे हैं, हम ज़्यादा मात्रा में जार भर के काम में ले रहे हैं, तो उस टाइम हल्का सा हाथ ऊपर रखना, हाँ, तो के लिए, ठीक है। ये अपने चटनी वगैरह के लिए, ये तो चटनी के लिए दोनों सेम ही लगेंगे, हाँ। और ये अपने लिक्विड के लिए, जूस वगैरह के लिए, वैसे जूस में भी निकल सकता है ये, हाँ, कोल्ड कॉफी मान लो या कुछ, कोल्ड कॉफी, लेकिन जूस के लिए सर बैटर थोड़ा रहेगा कुछ आप बना रहे तो, अच्छा, ये हार्ड के लिए हार्ड मसाला चटनी होती है उसके लिए, ये कोल्ड कॉफी आइस जूस आइसक्रीम। हार्ड मतलब के डोसा का चावल दाल पीसेंगे तो इसमें पीसेंगे, इसमें नहीं पीसना, ब्रेक हो जाएगा प्लास्टिक का, इसमें लिक्विड, हां लिक्विड, हाई स्पीड जा रहा है तो खाली में आवाज करता है, हो जाता है, अच्छा, ठीक है, समझ, कुछ अंदर रहेगा तो नहीं करेगा, सॉफ्टली चलेगा। अब आपको कुछ और पूछना है ये, जैसे आपने ये तो हमें बता दिया।